हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक बार माइक्रोस्कोप को इंस्टॉल करना और साथ के साथ उसको यूज़ करने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। इससे पहले भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, साझा किया था, जिसमें माइक्रोस्कोप को इंस्टॉल करने से रिलेटेड चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से माइक्रोस्कोप, एक बूम स्टैंड ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप कैसे इंस्टॉल किया जाता है या कैसे असेंबल किया जाता है। मैं फिर वो फटाफट इंस्टॉल करता हूँ। मेरे पास ये माइक्रोस्कोप है और उसको यूज़ करने से लगातार मेरे को कंप्लेंट्स आ रही है या लोगों की रिक्वायरमेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर, हम लोग बूम स्टैंड परचेज तो कर ले रहे हैं लेकिन उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि या तो माइक्रोस्कोप में प्रॉब्लम है या हमारी आँखों में प्रॉब्लम है। कई बार किसी एक यूज़र ने, जिसने चश्मा पहन रखा, तो उसको लगा कि हमारी आँखें गड़बड़ है जिसकी वजह से हम नहीं चेक कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा जो है सेटिंग का है। एक तो हाइट का है, फोकस का है, आई पीसेस का है, फोकस, ये सारी चीज़ें जब एक साथ जब कोऑर्डिनेट करती हैं तब जाके आपका प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप में व्यू कर पाएंगे चीज़ों को। तो जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी यहाँ सेट है, तो ये आई पीस कहलाता है आपका, ये फोकस करने के लिए है कि इसे हाइट भी एडजस्ट होती है और फोकसिंग, और इससे जूम नॉक करते हैं, इसको जूम इससे सेट किया जाता है, जूमिंग पर, यानी कि जूम को घटाना है या बढ़ाना है तो इससे जूम सेट किया जाता है, इसको एक फोकस सेट किया जाता है, ठीक है। और ये है आई पीस, और इसको भी रोटेट करके एडजस्ट किया जाता है। अभी क्या, तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलाना पड़ता है। आप चला रहे होंगे, या तो इसको चला रहे होंगे, या तो इसको घुमा रहे होंगे, या तो इससे ऊपर नीचे कर रहे होंगे, तो ऐसे नहीं होता है। पहले एक जो है मिनिमम सेटिंग है, उस सेटिंग पे करने के बाद आप पहले फोकस को सेट करो, उसके बाद जूम को सेट करो और आई पीस को सेट करो। अभी आप क्या कर रहे होंगे, या तो आई इसे जूम सेट कर रहे होंगे, या तो फोकस को सेट कर रहे होंगे, ऊपर नीचे कर रहे होंगे, या तो आप आई पीस को। अब दूसरी बात, ये जो फोकस लेंथ, नीचे की जो लेंथ है, ये भी मायने रखेगा कि किस लेंथ पे रख के आप फोकस एडजस्ट करना चाह रहे हो। 0.5 का अगर आपने लगा रखा है तो किस हाइट पे आप सेट कर रहे हो, 0.7 का लगा रखा है तो उसके लिए हाइट अलग होती है, तो यहाँ पे जो हाइट एडजस्टमेंट के लिए रॉड लगी इसका भी मायने रखेगा, और किस हाइट पे आपने बूम स्टैंड को सेट किया है ये मायने रखेगा। तो जब तीनों को एक साथ आप अलाइन करके जब सेट करते हैं तब जाके एक माइक्रोस्कोप को आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, किसी एक चीज आईपीस सेट करते रहेंगे, आपकी जूमिंग से सही सेट नहीं है तब भी आईपीस काम नहीं करेगा, अगर जूम सेट कर रहे हैं फोकल लेंथ सही सेट नहीं है तब भी नहीं काम करेगा। फोकसिंग जो ये नॉब है, जिसको आप हाइट एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, ये फोकस सेट करने के लिए होता है, ठीक है। ये जूम के लिए 0.4, 0.40, जैसे यहाँ पे 0.4 देखिए लिखा होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, इनटू 10 करना होता है, तो 1 का मतलब 10x, 2 का मतलब 20x, 3 का मतलब 30x, 4 का मतलब 40x, इधर साइड में लिखा है, ठीक है, 4.5 लिखा हुआ है तो 45x, ठीक है, ऐसे है। चलिए पहले एड्रेस करता हूँ कि इसको सेट करना बताता हूँ। ये पैक है अभी, हाँ भाई, इसको खोलना, साथ ही थोड़ा साथ निभाना, हाथ बढ़ाना, बस ये डब्बा डाल, ये है लेंस के नीचे लगने वाला, इसको बार्लो लेंस बोला जाता है, ठीक है। इसमें 0.7x, 0.5x दोनों यूज होगी। 0.7x से आपको हाइट नहीं मिलेगी, बहुत नीचे रखना पड़ेगा, पीसीबी के साथ एकदम नजदीक रखना पड़ेगा। 0.5 यूज करने पे थोड़ा सा आपको हाइट ऊपर रखने का मौका मिल पाता है, जिससे असेंबली और आयरन उसके नीचे आप आराम से चला सकते हैं, तो हम लोग 0.5x रिकमेंड करते हैं जनरल। ये जनरली मार्केट में जब आता है तो पूछ लेते हैं लोग, जो दुकानदार या सेलर होते हैं, पूछ ही लेते हैं आपसे कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ करना है और या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग में बूम स्टैंड के साथ लगाना है या नॉर्मल स्टैंड के साथ, ठीक है। सो देखिए, ये है हमारा, पहले तो बेस निकाल के एडजस्ट किया जाता है, बेस, बेस, बेस के ऊपर आप खड़ा करेंगे स्टैंड, ये है इसका,
स्टॉपर हो गया, लेना भाई। इसको दोनों तरीके से, इसको ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, इसको नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको हाइट एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नीचे की तरफ रखता हूँ, एक तो ये लॉक है, ये यहाँ पर एक और लॉक लगा के इसको रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसको लगाने की जरूरत है आपके, ये रिंग इसकी ओपन कर लीजिए पहले। ये क्या होगा, रिपेयर हो? नहीं होगा, ये हेड का स्टैंड, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ऐसे एल के शेप में, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे ही यूज करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इसको टाइट करने के लिए दीजिए, ठीक है। पहले इतने पे रखते हैं इसको, ठीक है। और हाइट भी ऑलमोस्ट देखना है कि हम जब यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो हमें कितनी हाइट चाहिए। एचपी का है यार, देसी है, एचपी का ही है। हाँ, क्या हो गया? हेड जी दीजिए, टाइट हो कर, एक ही स्क्रू है, जल्दी इससे भी टाइट हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारे लगेंगे आई पीसेस, देखिए ये आई पीस को ऊपर नीचे सेट करने के लिए रिंग लगी होती है, ऑप्टो करके इसका रिंग का नाम होता है कुछ, ठीक है, फिर जो भी नाम हो, ये आई पीस को एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको चाहिए एक प्लस वाला, छोटा प्लस का स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे लॉक, इसको स्क्रू को पीछे की तरफ खोल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फंसा देते हैं, यहाँ पूरा रिंग यहाँ तक घुस जाएगा, फिर स्क्रू टाइट करेंगे तो स्क्रू यहाँ पे अटक जाएगा, जिससे बाहर की तरफ कोई निकाल नहीं कर सकता, पुल आउट नहीं कर सकता, ठीक है। ये टाइट कर दिया हमने तो अब ये बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे ही दोनों का भी, दोनों को सेट कर लीजिए। आईपीस के लिए रबड़, ये तो सीटीवी है, सीटीवी तब इस्तेमाल करना होता है जब हमें कैमरा लगाना होता है, ठीक है। अगर लगाना चाहते हैं कैमरे तो इसको भी लगाते हैं, ये सीटीवी को इसमें फंसाने के लिए यहाँ पे है लॉक, इसको पहले ओपन कर लीजिए बाहर की तरह,
अब सीटी विंग का ये वाले विंग में फंसाना है इसको, ताकि ऊपर की तरफ कोई पुल आउट ना करे। इस पे क्या करना है, हमें कैमरा सेट करना है। तो ये सीटी में यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है, इस पे लगेगा कैमरा। और ये हो गया रेडी। इसमें दो आईपीस के लिए रबड़ का ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये छोटा वाला पोर्शन, तो इसी में ये रिंग की तरह जो ऊपर का पोर्शन ही एडजस्ट हो जाता है। तो कभी साइकिल के टायर चढ़ाया हो तो आराम से कर सकते हैं, अपने गाड़ी के पंचर रिपेयर किया, ठीक है, लग गया है। अब बात आता है ये तो इसको सेट करने के, एक 0.5 का लेंस चाहिए हमें। सेट करने के बाद हम सिखाते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। जनरली असेंबल तो लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। तो आपको तीनों चीजों को एक साथ देखना होगा, हाइट वगैरह भी देखना होगा, फोकस भी देखना होगा। एक साथ ही लगे हैं, ठीक है, लेंस लग गया और लाइट। लाइट कम ज़्यादा करने के लिए ठीक है, ये चीज़ें सेट हो गई हमारी। अब देखिए जब सेट करते हैं बोर्ड लाइए, एक मदरबोर्ड लाइए कोई भी, हमें टीवी व्यू की जरूरत नहीं, अभी हमें आईपीस का केवल जरूरत है, तो इसको सेट करना चाहिए। थोड़ा सा आप सब ठीक है, ये बोर्ड है। अब क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए कि आपको कितना हाइट पे आराम से, ये हाइट ठीक है या नहीं है, इतने पे आप SMD और आयरन चला पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो पहले हाइट, तो एक नॉर्मल हाइट अगर आपको चाहिए, इससे थोड़ी सी हाइट अगर आपको और ऊपर मिले तो बात बन सकती है। तो अब हमने इसको फोकस वाले को तो बीच पे रखा हुआ, देखिए फोकस वाले को जितना है उतने पे ही रहने दिया, ठीक है। और आपका ये तो अभी एडजस्ट करने के नहीं, पहले फोकस वाले जो हाइट है इसको एडजस्ट करते हैं, इसको बराबर पे ही छोड़ दिया हमने। और हम ये देख रहे हैं थोड़ा सा हाइट इस हिसाब से देख रहे हैं, क्या इसमें कुछ पॉसिबल है विजल, अभी विजन नहीं, अभी पहले हम हाइट ही सेट कर लेते, थोड़ा और अगर ऊपर सेट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, अब इतना हाइट हमारे लिए इनफ है, क्योंकि SMD जब जो यूज़ करते हैं उसमें नॉब भी टेढ़ी वाली और हम आयरन भी बेंड वाली यूज़ करते हैं, इस ये हाइट ठीक है, इतना हाइट हम यूज़ करते हैं। अब हमें सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए ये जो रिंग है आई पीस है, यहाँ पे देखिए एक रिंग है, ये बीच वाला पोर्शन,
इससे नीचे तक जाएगा। देखिए जब इसको पूरा क्लोज कर रहे हैं तो पूरा यहाँ लास्ट तक चला आया, और फिर जब ओपन कर रहे हैं तो ये रिंग फिर ओपन हो गया है ना। तो ये रिंग वाले पोजीशन तक इसको बंद करो आप, इस रिंग वाले पोजीशन पे सेट कर दिया हमने, इधर वाला भी और इधर वाला भी हम रिंग वाले पोजीशन पे हमने सेट कर दिया। आप इधर से आके देखें दोनों साइड से रिंग थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एकदम रिंग के पास लगा दिया हमने, इस आई पीस को सेट कर दिया ठीक है। अब हम सेट करें इसको, इसकी जो हाइट है यहाँ पे देखिए, ये जो 0.4 है दिख रहा है ना, या 4 लिखा, 0.4 नहीं 4 लिखा है, और यहाँ पे एक कट का नॉब का निशान बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट इस वाले रिंग पे देखिए बना हुआ है, एक उभरा हुआ पोर्शन है, मार्क बना है। तो हम 0.4 को ही वहीं पे रखते हैं, कितना रखते हैं 0.4 को यहाँ पे हमने रख लिया। अब इस वाले पोर्शन पे और इसकी सेटिंग पे हम इसकी हाइट को एडजस्ट करके देखेंगे कि हमें दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ ठीक है। और जब हम इस आई पीस में देख रहे हैं तो हमें एक रिंग इसमें दिख रही, एक रिंग इसमें, दो ऐसे होल दिख रहे हैं। इसको हमें जब इसको ऐसे आगे पीछे ऐसे शिफ्ट करेंगे ना, तो ये होल शिफ्ट होके जैसे दो शिफ्ट, दो बबल हैं, दो पानी की बूंद है, उनको चिपकाएंगे तो पानी की बूंद एक बन जाएगी। तो इसको जब हम ऐसे आगे पीछे शिफ्ट कर रहे होते हैं आई पीस को ऐसे ठीक है, मूव कर रहे होते हैं, तो वो बबल पास में आएंगे, अगर चिपक गए तो वो बड़े हो जाएंगे, और अगर पीछे गए ऐसे तो दो होल दिखाई देंगे। तो हमें इसको एक रिंग बनाना है, जो दो रिंग दो होल दिख रहा है उसको क्या बनाना है, एक सिंगल रिंग। तो अब मैं पहले दो रिंग दिख रहा है मुझे अलग अलग, तो मैं इसको एडजस्ट करके एक रिंग मैंने बना लिया, मुझे एक रिंग बनने लगा, लेकिन मुझे नीचे कुछ नहीं दिखा रहा, एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है। मैंने सेट ये रिंग के पोजिशन पे कर रखा है, इसको 440x पे सेट कर रखा है। अब मैं हाइट को एडजस्ट करूंगा, इसको ऊपर नीचे करके मैं देखूंगा कि किस पे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है मुझे, ये दिखना शुरू हुआ, अभी दिखना शुरू ही हुआ था कि ये मेरा हाइट ऊपर करने वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसको और ऊपर कर लेता हूँ, या मेरे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है, इसी को ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा और, है ना, ढीला करके, इस रॉड में भी जगह है मेरे को थोड़ा, ये ऊपर करते गया, ये इस वाले पोर्शन पे मुझे दिख रहा है। अब मैं वापस इसको नीचे करूँगा, इसको नीचे करके जितना ऊपर कर ले रहा हूँ इसी से ऊपर कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आके मुझे ये विजिबल हो गया। अब इसको बिना ऊपर किए ही मेरे को विजिबल हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे ऊपर जा सकता हूँ, इससे नीचे की तरफ जा सकता हूँ, है ना। अब नीचे जा रहा हूँ तो मुझे विजिबिलिटी घट जा रही है। अब ये देख रहा हूँ कि विजिबिलिटी कहाँ पे आ रही है, पहले इसको नीचे करके देखूं, नीचे करके देखूं, नहीं आ रही है, विजिबल नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो विजिबल हो रहा है, यस यहाँ पे विजिबल हो रहा है ठीक है। तो फिर मैं वापस से अगर ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो पहले आपको देखिए, फिर से बता रहा हूँ, ये 0.4 पे ही छोड़ दिया, या आप चाहे तो 35 पे कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं, 40 पे ही मैं सेट कर रहा हूँ, 40 पे ये मेरी मैक्सिमम हाइट, मैंने तो इसको सेट कर लिया बूम स्टैंड को ही, जितने पे हमने इसको इतना मैक्सिमम हाइट दे दिया। अब इस पे हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, अगर इसको उलट के लगा देता तो ये ऑलरेडी बहुत ऊपर होता, तो हमें रेड में ये नीचे ही आ जाता ठीक है। या तो फिर हम इसी पे भी करके इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये टेबल जैसा हमारा होता है उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं हाइट का। अब इसी से हमें विजिबल, अब इसको बीच वाले पोर्शन पे फोकस वाले को या इतना कर लीजिए, इस बीच वाले पे ही रहने दीजिए, और इसी को खोल करके पूरे हेड को ही ऊपर नीचे करके देख लीजिए कितने पे विजिबल हो रहा है, किस साइड पे, ये मेरा विजिबल होना विजिबल हो रहा है यहाँ पे ठीक है। कंपोनेंट दिख रहे हैं, अब यहाँ से नीचे भी जा रहा है, ऊपर आने पे खराब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और देखता हूँ, अब मुझे पूरा कंपोनेंट दिख रहा है, नीचे तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, पूरा एकदम सही से दिख रहा है। अब मैंने देखिए 0.7 यानी कि बहुत कम कर दिया इसको, या एक पे ये कर दिया तो 10x पे हो गया। इस समय मैं देख रहा हूँ तो कंपोनेंट 10 गुना बड़ा दिख रहा है, कितना दिख रहा है
अब जैसे जैसे इसको घुमा रहा हूँ ये मुझे बड़ा होता हुआ आंखों के पास दिखता हुआ नजर आ रहा है, बोर्ड तो नहीं उठ के आ रहा है लेकिन क्या है कंपोनेंट धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि बड़ा होता चला जा रहा है। जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ ये लास्ट तक आते आते कंपोनेंट ये बहुत बड़ा हो गया, पूरे बड़े होल में एक छोटा ट्रांजिस्टर इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है ऐसे दिखने लगा पूरे इतने बड़े एरिया में केवल एक ट्रांजिस्टर क्या हो पा रहा है मुझे दिख रहा है। अब ये छोटा होते होते पीछे की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वो इस तरीके से मैंने हाइट एडजस्ट कर ली है कि चाहे मैं एकदम ऊपर ले आ रहा हूँ तब भी वो धुंधला नहीं हो रहा, और जब नीचे की तरफ कर रहा हूँ फोकस आउट कर रहा हूँ तब भी वो धुंधला नहीं हो रहा है। अगर ये सेटिंग पे आप पहुंच गए तो मामला आपने क्या कर लिया है क्लियर कर लिया है, सेट कर लिया। आप क्या कर रहे होते हैं आप ऐसा सेट कर रहे होते हैं कि एक जगह तो सही दिखा रहा होता है लेकिन जब उसको जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं तो वो धुंधला, एकदम जूम आउट करते समय एकदम बड़ा करते समय देखते हैं तो वो धुंधला हो जाता है, या जूम आउट एकदम कर दिया तब भी धुंधला हो गया, जूम इन किया तब भी धुंधला हो गया, किसी एक पोजीशन पे सेट आके आपको दिखाई दे रहा तो वो सही सेटअप नहीं है। अगर आपने हाइट अपने फोकल ये सारी चीजें सही एडजस्ट कर लिया आईपी सही सेट कर लिया, अब देखिए जैसे 40x पे ही हमने यहाँ पे कर लिया, जैसे 40x पे कर लिया है ठीक है, हाइट हमने इसी पे कर रखा, अगर हल्का फुल्का धुंधला दिख रहा है तो इस आईपीस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पहले एक आंख बंद करके एक सेट करिए, जब एकदम क्लियर दिखने लगे तो दूसरे से, अब मुझे दोनों ही आंखों से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है और अभी बहुत बड़ा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है और एकदम क्लियर दिखा रहा है। अब जब जैसे जैसे जूम आउट करते जा रहा हूँ कंपोनेंट छोटा हो रहा है लेकिन फिर भी वो एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे, ठीक है इस तरीके से सेट करना होता है, समझ आ गया। अभी एक बार आप लोग बारे में देखिए, आप देखिए इसमें दिख रहा है अभी कंपोनेंट, दो रिंग दिख रहा है कि एक रिंग दिख रहा है, एक सिंगल सिंगल रिंग दिख रहा है आपको, कोई कंपोनेंट दिख रहा है, कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, ट्रांजिस्टर दिख रहा है कोई, हाँ अब अभी छोटा दिख रहा होगा, अभी देखिए बड़ा होता हो रहा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज बड़ा हो रहा है, धुंधला नहीं ना हो रहा है, नहीं बड़ा हो गया क्लियर है यहाँ तक बड़ा हो गया एकदम, अब फिर छोटा होता जा रहा है धुंधला लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं धुंधला नहीं हो रहा है, छोटा हो गया बहुत, ये मतलब ये है कि आपका क्या है क्लियर है सही से। अगर मान लीजिए इस समय सबसे छोटा पे पहुंच गया लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा देखिए तो ये आंख बंद करिए और इसको थोड़ा मोड़ा देखिए, अब बताइएगा कि धुंधला हो रहा है कि साफ हो रहा है, और ऐसे अब साफ दिख रहा है, ऐसे ही इसको सेट कर लिया जाता है कि किस उस पोजीशन पे जाके कैसे धुंधला दिखा रहा है या क्लियर दिखाई दे रहा है, है ना, एक साइड मूव करने पर थोड़ा सा धुंधला और फिर क्लियर होगा। ये होता है रियल सेटिंग कि कैसे करना चाहिए। ये फोकल वाला सेट कर लिया आपने, एक प्रॉपर हाइट एडजस्ट कर ली, ठीक है 0.5 का आप देख लो कितना है, हाँ ये है चार, मतलब हमको लगता है 8 इंच नहीं 6 2 8 इंच होगा, 8 इंच का हमने हाइट रखा हुआ है, हमने इसको लास्ट वाले पोर्शन पे रखा हुआ है, 1 इंच ऊपर से छोड़ दिया है ना, और ये वाले पोजीशन को नीचे वाले रिंग पे हमने लग बिठाया इसको, है ना। तो ये सेटअप आप देख लीजिए, ध्यान रखिए ऐसे ही आप सेट कर लीजिए, और इसकी रिंग को देखिए यहाँ पे सेट कर दिया एकदम ऊपर वाले पोर्शन पे, नीचे से स्पेस थोड़ा छोड़ के, अब इतना हाइट है कि हम नीचे क्या कर सकते हैं आयरन भी चला सकते हैं SMD भी चला सकते हैं, और ये इस तरीके से सेट हो गया है कि छोटा भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, एक तरीका सही से सेट करने का। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसकी प्राइसिंग को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, और किस तरीके का लें, देखिए ये केवल बूम स्टैंड अगर आप लेते हैं इस तरीके से बूम स्टैंड तो अप्रोक्सीमेट 30,000 तक आपको ये बूम स्टैंड मिल जाता है, ठीक है, इसके बाद जो खेल शुरू होता है वो होता है आपका किसका, लेंस इसका सॉरी माइक कैमरे का, ठीक है, ये कैमरा 6,000 से शुरू होकर 60,000 तक 6,00,000 रुपए तक भी होता है, ये हमारे पास जो हम खुद ही यूज कर रहे हैं हमारा एक 22,000 का कैमरा है, ये कैमरा हमारा खुद महंगा है काफी, इस तरीके से कई कैमरे मतलब आप डिपेंड करता है 6,000 से रिलेटेड शुरू होते हैं कैमरे,
और आपका क्या होता है 40-40 ऑटो फोकस वाले 40,000 45,000 50,000 ऐसे होते हैं। एम स्कोप के आप कैमरे आप देखो, गूगल करो एम स्कोप के कैमरे, ठीक है उस पे। दूसरा इतना ही नहीं, ये तो बेसिक है, एकदम बेसिक रेंज शुरू हो जाती है 25,000 से 30,000 का जो मिलता है ना वो बेसिक एकदम मिलता है। इसके अंदर होता है क्या, एक नॉर्मल प्रिज्म ही तो होता है, ठीक है। अब प्रिज्म की क्वालिटी, हेड की क्वालिटी कितना लंबा सड़ा है, प्रिज्म का जो कहाँ है क्वालिटी वो भी है, किस लेवल का लगाया गया, इससे ऊपर के रॉड से लोहे से हम नहीं बता सकते कि इसकी क्वालिटी ठीक है या खराब है। ये तो पूरा एलॉय है, लोहा रॉड है, ठीक है, सारा खेल इसके हेड का होता है। तो एक कह सकते हैं संतोषजनक हमारी मार्केट में, या एक ऐसा कि जिसे आपका काम कर सकते हैं वो आपका इस रेंज में आ जाता है, ठीक है। 30,000 का भी हम लोगों के पास ही अवेलेबल है, 25,000 का भी है, 30,000 का भी है, 35,000 का भी है, केवल ये और 40,000 का केवल इतना ही बूम स्टैंड ही है, जिसमें उसका हेड ही केवल 24,000 का है। समझ रहे बात को, तो अलग अलग है। अब नॉर्मल हम रिकमेंड करते हैं कि आप 30,000 से 35,000 रुपए वाला जो एक कोई भी बूम स्टैंड ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा और उसे आपका काम हो जाएगा। और अगर एक चीज और होता है, कई बार आपको जरूरी नहीं है कि आप ये कैमरा लगाओ, अगर आप सिंगल अपना खुद का रिपेयर करना है, किसी को दिखाना नहीं है, तब तो आपको स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है। स्क्रीन की जरूरत तो तब होती है जब आप कस्टमर को डिस्प्ले करना चाहते हो, कस्टमर के सामने रिपेयर कर रहे हो और कस्टमर उस चीज को देखना चाहता है लाइव, तब जरूरत पड़ती है। या किसी को दिखाना, जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय हमें, हम जो काम कर रहे होते हैं वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करना होता है, ताकि पीछे स्टूडेंट जो हैं देख रहे हैं उनको दिखे, विजिबल हो सके। अदरवाइज हमें ये कैमरे का और टीवी का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमारा कैमरे का और टीवी का खर्चा बच जाएगा। तो एटलीस्ट आप 25,000 से लेकर 30,000 35,000 खर्च करके आप एक अच्छी क्वालिटी का बूम स्टैंड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए मैं हर हाल में यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये बड़ा वाला बूम स्टैंड ही यूज करें, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड होता है ना वो कई बार काफी बड़े होते हैं, और जो छोटे विदाउट स्टैंड वाले जैसे आते हैं ऐसे ही स्टैंड होता है या इससे भी छोटा स्टैंड होता है, तो वो मोबाइल के सर्किट के लिए स्पेशली बनाया गया है या लेबोरेटरी में काम करने के लिए, लैब पे छोटे, हाँ छोटे कई बार होता है ना, हम लोग को देखे लैब में टेस्टिंग के लिए वो यूज किया जाता है, वो लैब के अकॉर्डिंग। अगर ये पीसीबी डिजाइनिंग के लिए जो स्टैंड बनते हैं ये यही बनते हैं, सर्किट रिपेयरिंग के लिए अगर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये कंपनी स्टैंड यही बनाती है, इसको बूम स्टैंड बोलते हैं। गेट इट, हाँ। और मतलब ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी का आप 35,000 रुपये तक में ले सकते हैं, और उससे ऊपर आप चाहे जितना ले लें भाई, जैसे होता है ना मल्टीमीटर में 150 रुपये का भी मल्टीमीटर मिलता है, 500 रुपये का भी मल्टीमीटर मिलता है, और 5,000 का भी मल्टीमीटर मिलता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट का ये कहना होता है सर हमें तो 150 रुपये का मल्टीमीटर मिल रहा है, तो भाई हमने कहा मना किया कि 150 का मल्टीमीटर नहीं मिलता है, हमारा तो 15,000 का भी मल्टीमीटर आप वीडियो में देखते होंगे, 6,000 के मल्टीमीटर भी है, 2,000 के मल्टीमीटर भी है। आयरन 150 रुपये से शुरू होकर हमारा तो आयरन हम यूज़ कर रहे हैं 15,000 का भी आयरन है ना। तो ये चीज़ें है। अब ये इससे ऊपर से फिजिकली कलर देख करके, अब जैसे कई बार लड़के ये पूछते सर आपका 2-in-1 है, 2-in-1 कैसे, हमने 2-in-1 नहीं, हमारा हमने क्या किया, हमारे पास दो कैमरे थे, एक वाइट था एक ब्लैक था, हमने क्या कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, इसका हेड उस पे लगा दिया और उसका हेड इस पे लगा दिया, स्टैंड इसका ब्लैक वाला, हेड इसका व्हाइट वाला, इसका वाला हेड हमने अपने ब्लैक वाले स्टैंड पे लगा लिया, थोड़ा मल्टी कलर करने के चक्कर में किया, और कोई डिफरेंस नहीं है। हेड अभी जो ये हेड है वही हेड ये है, देखिए सेम एकदम सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है, जो हम यूज कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा होता वही चीजें रिकमेंड करते हैं। और एक एक चीज जैसे ये भी हमें ये आज ऑन ऑर्डर ये सेल हुआ है, तो उसको पहले हमने एडजस्ट किया, एडजस्ट करके सेट करके चेक करके तभी हम लोग आपके सामने आपको डिलीवर करते हैं, डिस्पैच भी हमारा तभी होता है, यानी हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट मेरे द्वारा करके ही भेजा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट अनुपस्थिति में चला जाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आपका सिंपल ये है कि आप जितना आए, जैसे आपने अपना बजट बनाया कि नहीं सर हमें इतने रेंज का चाहिए, तो उस रेंज का भी अवेलेबल, लेकिन आप रिकमेंड करते हैं इस टाइम बिल्कुल, अगर आप एटलीस्ट मतलब हमारा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 30-35,000 रुपए तो लगाइए ही लगाइए, बूम स्टैंड ले रहे हैं, उससे नीचे अगर आप लगा रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा, विजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, उसकी फोकसिंग सही नहीं होगी, बार बार डिस्टर्ब होगी।
गेट इट, मिलने को तो आप ये मार्केट होती है कि आप सिंपल होता है, कई बार ये होता है कि भाई आपको कितने का चाहिए वो बता दो, या तो मैं बता रहा हूँ उसमें से आप चूज कर लो, ये होता है समझेंगे। और कैमरे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट अभी 2K 4K देखिए 2K 4K 58K लिखा 58 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल सब चीजें केवल प्रिंटिंग का खेल है, ठीक है। रियल क्वालिटी जो होती है वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल ही है, वो बहुत महंगे एक तरह से चले जाते हैं। अभी जैसे ये 4K कैमरा है, ठीक है, ये अराउंड 20K की बजट तक का है और ये मिल जाता है। ऐसे ही 4K हमारा लगा हुआ है वो 22,000 का है, ऐसे ही 4K हमने लास्ट टाइम परचेज किया 28,000 का परचेज किया था, और एक नॉर्मल एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा एक बार हमारे हम लोगों ने परचेज किया था 40,000 रुपए का। तो ये जो मेगापिक्सल का खेल है, एक बार अभी रिसेंटली हमारे साथ यह वाक्य हुआ कि हम एक हमारे पास 38 मेगापिक्सल का कैमरा था और वो दोबारा हमने वो मंगाया तो वो लिखा हुआ था उसके ऊपर 58 मेगापिक्सल, ठीक है। तो लिखने से नहीं है, ये बाई हैंड प्रैक्टिकली चेक करके आपको लेना पड़ेगा कि क्लैरिटी किस में अच्छी आ रही है, ठीक है। कई बार होता है जैसे ये सनसाइन का है, ऐसा ही अनप्रिंटेड भी आते हैं, किसी में विजुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, किसी में क्लैरिटी कम होता है। देखिए हमारे पास यहाँ सनसाइन का भी ये कैमरा M11 के नाम से जाना जाता है, लो रेंज में ये अच्छी क्वालिटी का ये भी माना जाता है। यहाँ मैकेनिक का भी लगा हुआ है, उसको भी हम लोग बनाए, लेकिन अभी हम लोग इनसे ऊपर क्लैरिटी जनरली 4K 2K की कैमरे हम लोगों को रिसीव हो चुके हैं, उनमें क्लैरिटी और ज्यादा है। जैसे हमारे सेटअप पे आप जो देखते हो जिसपे मैं रिपेयर कर रहा होता हूँ, उस पर हमने 2K का कैमरा लगा रखा है, और जैसे हम जूम क्लासेस लेते हैं जो हमारे घर का सेटअप है उस पर 4K से लगा रखा है, ठीक है। तो 4K वाले की क्लैरिटी। अब दूसरी बात है कि आपका जो टीवी है, टीवी लगा रहे हो या मॉनिटर लगा रहे हो, वो भी 4K या 2K का सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आपको सही क्लैरिटी सही विजन मिल पाएगा, समझ रहे हैं बात को। ये एक मेरा एक नॉर्मल, ये नॉर्मल तो नहीं 4K कैमरा है, देखिए इसको सेट करके मैं दिखाता हूँ, ये इसको भी सेट करने के लिए ये है, इसमें एक रिंग लगी होती है, ये हमारा ये कौन ग्लास। अरे हाँ, कौन मिठाई खा के जो होश खो बैठा है। अरे यार बस करो यार, तुमने माइक्रोस्कोप में यार 3 घंटा लगा दिया, ठीक है। ये है इसके, थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ानी है तो एक और तरीका है, आप एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एक एक्स्ट्रा लाइट से विजन करके आप फर्क पड़ता है। लाइट, एक्स्ट्रा लाइट बढ़ते ही विजिबिलिटी भी आपको ज्यादा दिखेगी। बढ़ गई विजिबिलिटी। एक नॉर्मल कैमरा भी अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है,
और आपने लाइट अच्छी लगा रखी है तो आपको क्लैरिटी ऐसे ही क्या हो जाएगी, अच्छी मिलने लगेगी, है ना। और अगर आपका कैमरा सेट सही है, माइक्रोस्कोप आपने सही सेट कर रखा है, तो आप जूम इन करेंगे तब भी धुंधला नहीं होगा, जूम आउट करेंगे तब भी धुंधला नहीं होगा। देखिए जूम इन कर रहे हैं तो पूरा क्लियर होते हुए बढ़ते चला आ रहा है। इस आईसी के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जो धब्बे धब्बे टाइप से दिख रहे हैं आईसी के। और ये है सीसीटीवी, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो रहा है जिसको, ठीक है। चलो बाय बाय वंस अगेन, थैंक यू।